आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, इनके फैंस इनसे खुश है, इनके सीरियल के डायरेक्टर इनसे खुश है, लेकिन इनके मालिक इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं। वहीं ये खुद भी हमेशा अपने मालिक से बस सैलरी बढ़ाने की बात करते रहते हैं। ये जब टीवी इंडस्ट्री में आए तो गुजराती थिएटर का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर आए। वैसे इनका नाम तो तन्वय वेकरिया है, लेकिन लोग इन्हें जानते हैं बाघा के नाम से। जी हाँ, आज बात करेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम तन्वय वेकरिया की। तन्वय वेकरिया की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब कॉलेज से तन्मय वेकरिया को सस्पेंड कर दिया गया था, क्यों तन्मय वेकरिया बाघा का जो कैरेक्टर है वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में बहुत लेट ऐड हुआ, और कैसे शो पर छोटे मोटे किरदार करने वाले तन्मय वेकरिया को मिला एक रेगुलर किरदार बाघा का। तन्मय एक गुजराती फैमिली में पले बड़े हैं, मुंबई में ही उनकी अपब्रिंगिंग हुई है। उनके पिता बहुत नामी एक्टर है गुजराती थिएटर के और गुजराती सिनेमा के, अरविंद वेकरिया उनका नाम है। तन्मय ने अपनी स्कूल की पढ़ाई बोरीवली के हिमालय स्कूल से की है। तन्मय कहते हैं कि स्कूल टाइम में वो नॉटी बहुत थे एज ए किड, और पढ़ाई में ना ज़्यादा अच्छे थे ना ख़राब थे, एवरेज स्टूडेंट थे, और पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई कर लिया करते थे लेकिन पढ़ाई का ज़्यादा लोड नहीं लेते थे। स्कूल से कॉलेज आ गया लेकिन वो शैतानी वाली आदत तो गई नहीं। यही कारण है कि उन्होंने अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक बार रॉकेट छोड़ दिया था अपने ही टीचर के ऊपर। टीचर उस इंसिडेंट के बाद तुरंत तन्मय को अपने प्रिंसिपल के पास लेके गए, जहां पर प्रिंसिपल ने उन्हें 10 दिनों के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया था। यानी कि नई नई कॉलेज लाइफ में तन्मय वेकरिया की एंट्री कुछ इस तरीके से हुई थी। कॉलेज के बाद से तन्मय वेकरिया ने अपना पूरा समय गुजराती थिएटर में देना शुरू कर दिया, और यहाँ से ट्रेनिंग करते करते धीरे धीरे वो प्लेज में रोल्स करने लगे, और छोटे से बड़े रोल्स तक कब पहुंचे पता ही नहीं चला। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि एक टाइम था जब तन्मय वेकरिया ने कोटक महिंद्रा में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव जॉब भी की थी, और तब उनकी सैलरी थी 4,000 रुपए। 98 में तन्मय ने कॉलेज पास आउट कर लिया था, और उसके बाद से ही वो गुजराती थिएटर्स और कभी कभार छोटी मोटी जॉब कर लिया करते थे जेब खर्च के लिए। टीवी के लिए वो ट्राई कर रहे थे, इनफैक्ट एक शो भी मिल गया था। इस शो में एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस काम कर रही थी, जी हाँ, वो एक्ट्रेस जो आज की डेट में एक बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर बन चुकी है। स्मृति ईरानी ने तुलसी के इमेज को तोड़ने के लिए एक शो किया था मणि बहन, जो कि एक कॉमेडी शो था। इस शो में उनके छोटे भाई नट्टू का किरदार तब तन्मय वेकरिया ने निभाया था। ये शो कुछ टाइम तक चला था लेकिन बाद में ये शो बंद हो गया था। इसी दौरान तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो शुरू हो गया था। हालांकि इनिशियली तन्मय वेकरिया इस शो का हिस्सा ही नहीं थे, लेकिन वो बाघा का किरदार निभाने से पहले भी इस शो में एज अ गेस्ट एक्टर काम कर चुके हैं। टैक्सी ड्राइवर, कभी उन्होंने ऑटो वाला, तो कभी इंस्पेक्टर का किरदार इस शो पर निभाया है, क्योंकि इस शो में भी ज्यादातर एक्टर्स गुजराती है। इनफैक्ट असित मोदी जो इस शो के डायरेक्टर है वो खुद भी गुजराती है। यही कारण है कि तन्मय वेकरिया के लिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के जितने भी किरदार थे या जितने भी एक्टर्स थे वो पहले से ही नोन थे, और उनके साथ इस शो के अलावा भी तन्मय वेकरिया का उठना बैठना था। थिएटर की दुनिया में ये सब लोग आपस में मिलते थे। इसी दौरान शो का एक किरदार है नट्टू काका, जी हाँ, घनश्याम नायक जिनका नाम है, उनकी तबीयत खराब हुई और तब उन्हें बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। कुछ महीनों के लिए उन्हें डॉक्टर्स ने रेस्ट करने को कहा, और तब असित मोदी जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के डायरेक्टर है उनके सामने एक सवाल आ गया कि आखिर नट्टू काका का किरदार दिया किसे जाए। असित मोदी जो कि शो के डायरेक्टर है वो अपनी टीम के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में कम ही लोग सोचते हैं। उन्हें पता है कि एक्टर का एक रेगुलर किरदार अगर मैं खत्म कर दूंगा, अगर मैं उस किरदार को मार दूंगा, तो वो एक्टर और कहां काम करने जाएगा। नट्टू काका जिस वक्त बीमार हुए थे, उनकी जब बाईपास सर्जरी हुई थी, असित मोदी चाहते तो उनके किरदार को मार देते, जो अक्सर सीरियल में दिखाया जाता है कि एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना हो गई, लेकिन असित मोदी अपने इस किरदार को वापस लाना चाहते थे। नट्टू काका को कुछ समय का ब्रेक चाहिए था, और तब जाकर उनकी पोस्ट को फिल करने के लिए, ना कि उनको रिप्लेस करने के लिए बल्कि उनकी कमी की भरपाई करने के लिए एक किरदार को इंट्रोड्यूस किया गया। ये किरदार था बाघा का किरदार। कई सारे एक्टर्स के बारे में चर्चा चलती रही बाघा के किरदार के बारे में। इसी दौरान तन्मय जो कि शो में ऑलरेडी बहुत सारे गेस्ट रोल्स कर चुके थे,
उन्हें शो के प्रोजेक्ट हेड सोहेल रमानी ने मिलने के लिए बुलाया और इस किरदार के बारे में बताया। असित मोदी के साथ क्रिएटिव टीम के साथ बैठकर बहुत सारा डिस्कशन चला कि आखिर बागा का किरदार कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लुक टेस्ट हुए, अलग अलग बॉडी लैंग्वेजेस ट्राई की गई और फाइनली जो किरदार सबको बेस्ट लगा उसे ही स्क्रीन पर पोर्ट्रे किया गया और कुछ इस तरह से जन्म हुआ इस नए किरदार बाघा का, जिसको नट्टू काका के भतीजे के रूप में शो में इंट्रोड्यूस किया गया। बाघा का किरदार था तो कुछ ही समय के लिए, सोचा गया था कि नट्टू काका फिर से आ जाएंगे तब बाघा के किरदार को फिर से गांव भेजकर खत्म कर देंगे, लेकिन ये किरदार थोड़े ही दिनों में इतना पॉपुलर हो गया, लोगों को पसंद आने लग गया, लोग इस किरदार से भी कनेक्ट करने लग गए। यही कारण था कि तन्मय वकेरिया को फिर एक रेगुलर किरदार बना दिया गया। बागा हर एक एपिसोड से आने लगा। जिस बागा को एक दो महीने के लिए शो में लाया गया था वो इस शो की टीम का अहम हिस्सा हो गया। फिलहाल तन्मय वकेरिया पूरा टाइम अपने इस शो को ही देते हैं। इसके अलावा वो गुजराती थिएटर से भी जुड़े हुए हैं। बागा मुंबई के कांदीवली एरिया में रहते हैं। राज आर्केड नाम की बिल्डिंग में वो अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ रहते हैं। तन्मय वकेरिया रियल लाइफ में बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे वो स्क्रीन पर दिखाई देते हैं या जो उनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, हाथों को ऊपर करके अलग तरह के एक्सप्रेशन देके, वो वैसे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। वो एक आम आदमी है। वो जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ एक सादा जीवन बिताने में ही बिलीव करते हैं। तो कुछ इस तरह की कहानी है उस बागा की जिसने इंडिया में कई सारे लोगों के दिलों में जगह बना ली, लेकिन ऐसे देखा जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ बहुत ही छोटी है। बोरीवली में वो बड़े हुए, कांदीवली अभी वो रहते हैं और गोरेगांव में उनकी शूटिंग होती है, यानी कि मुंबई के इस छोटे से एरिया में ही उनकी जिंदगी बसी हुई है। बागा का किरदार इस शो में आपको कैसा लगता है? उनकी कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आती है? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। कब की और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और सेलिब्रिटी के लाइफ की कहानी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।